खरगोन नगर पालिका परिषद द्वारा आयोजित 131वें वर्ष से लगातार लग रहे एक माह के ऐतिहासिक नवग्रह मेले के समापन अवसर पर सोमवार की रात्रि में भजन संध्या का आयोजन किया गया, जिसमें भगवा रंग भजन से पूरे देश में प्रसिद्धि पाने वाली भजन गायिका शहनाज अख्तर ने एक से बढ़कर एक भजन गाकर हजारों श्रोताओं को झूमने पर मजबूर कर दिया। इस मौके पर विशेष रूप से मौजूद खरगोन के विधायक बालकृष्ण पाटीदार सहित नगरपालिका अध्यक्ष श्रीमती छाया जोशी सहित महिला पार्षद भी शहनाज अख्तर के भजनों पर झूमती नजर आई। शहनाज अख्तर ने सबसे पहले रामायण की चौपाई मंगल भवन अमंगलहारी से अपने भजनों की जैसे ही शुरुआत की, पूरा मैदान जय श्री राम के नारों से गूंज उठा। उसके बाद जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, दुनिया में फिर से हम भगवा लहराएंगे, इस भजन की प्रस्तुति पर कुर्सी पर बैठे बीजेपी विधायक बालकृष्ण पाटीदार भी लोगों के साथ खड़े होकर झूमते नजर आए। वहीं भजन गायिका शहनाज अख्तर ने अपने प्रसिद्ध भजन ये भगवा रंग की जैसे ही प्रस्तुति देना शुरू किया, पूरे मैदान में लोग जमकर झूमते नजर आए। करीब 2 घंटे तक चले इस आयोजन में भजन गायिका शहनाज अख्तर ने एक से बढ़कर एक भजनों की प्रस्तुतियां देकर उपस्थित हजारों दर्शकों को झूमने पर मजबूर कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, खरगोन। अपने आप को आज सिर्फ इन्हें मैं जानती नहीं हूँ नाम से, उनकी भी मैं बहुत बहुत राम सिया राम दुनिया में तुझे हम लहराएंगे।
अयोध्या में भगवान राम मंदिर की स्थापना हुई, उसके बाद पूरे देश में राम में माहौल है। आप क्या कहना चाहेंगे, वो लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? जी, श्री रामचंद्र जी का माहौल तो उन्हीं के युग से चला आ रहा है, और श्री रामचंद्र जी जब मंदिर में स्थापना नहीं हुई थी उसके बाद भी श्री रामचंद्र जी का माहौल ही था। प्रभु हमारे अभी आए हैं, तो अभी हम ये सब पूरे भारतवासी दिवाली मना रहे हैं। मुस्लिम और आप जो है भगवान और अनेक जो है भजन गाती हैं जी, तो उसमें कितना आनंद आता? मुझे ईश्वर की अनुभूति हुई, इसलिए मैंने भजन कीर्तन करना शुरू कर दिया। और रही बात मुस्लिम की, तो मुस्लिम धर्म में 11 वर्ष हो चुके हैं मुझे, मैं त्याग चुकी हूँ, लेकिन नाम मैं बदल नहीं सकती क्योंकि मेरा अपना नाम है, ये मैंने खुद रखा है। और सबको स्वतंत्रता है भारत में अपना अपना नाम रखने की, और नाम से ही मेरी पहचान है। मैं अपना नाम बदल दूंगी तो लोग पहचानेंगे कैसे जाना सकते। किस प्रकार की अनुभूति होती है जैसे आप भगवान नाम के भजन गाती? जी, मैं पाठ जाप सब करती हूँ, मैं श्रीमद दुर्गा सप्तशती का पाठ करती हूँ, मैं सुंदरकांड पढ़ती हूँ, रामायण भी पढ़ती हूँ, हनुमान चालीसा पढ़ती हूँ। मैं घर में, अपने घर में हमारे मंदिर है माता जी का, और मैं उसे लाइव भी करती रहती हूँ अपने इंस्टाग्राम पर। सनातन धर्म को लेकर क्या संदेश देना चाहती हूँ जी? सनातन धर्म को लेकर मैं ये संदेश देना चाहती हूँ कि हमें हमारे हिंदू धर्म में जितने भी बहु बेटियां हैं, बच्चे हैं, जो भी हमारी युवा पीढ़ी है, उन सबको हमें धर्म की शिक्षा अवश्य देनी चाहिए। हमारे हम लोग बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ाते हैं, इंग्लिश स्कूलों में पढ़ाते हैं, लेकिन हमें हिंदू सनातन धर्म और संस्कृति के बारे में भी पढ़ाना चाहिए। बहस सनातन को लेकर करते हैं लोग जी, लगातार बहस करते हैं, उसको क्या मानती है? वे मूर्खता है, वे ज्ञानी है, वे सनातन का मतलब जाने तब तो बहस बंद हो जाए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।